हेलो किड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। एंड बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। पूरी की पूरी एनसीईआरटी में लाइन वाइज हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट लाइंस को भी नोट डाउन करेंगे और जो क्वेश्चंस उन पे बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो बच्चों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग वैक्टर्स। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रिप्लीकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। हम सभी को पता है कि प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है रिप्लीकेट करने की बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंडिपेंडेंटली, उन्हीं के क्रोमोसोमल डीएनए इसके अंडर कंट्रोल में। Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells. Bacterial cells में bacteriophages पाए जाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा high copy numbers में अपने genome को replicate करने की ability होती है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा number में bacterial cell के अंदर पाए जाते हैं। Some plasmids may have only one or two copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. यहीं पे अगर हम बात करें कुछ प्लाज्मिड्स की, तो उनमें से कुछ सेल्स के अंदर कुछ प्लाज्मिड्स की तो सिर्फ एक या दो कॉपी होती है, या फिर कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, अराउंड 15-20 हो सकती हैं, बट कुछ जो होते हैं प्लाज्मिड्स उनकी जो कॉपीज़ होती हैं दैट इज़ अराउंड 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल। Their numbers can go even higher, और इससे भी ज़्यादा इनका नंबर हो सकता है। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equally to the copy number of the plasmid or bacteriophage. तो बच्चों, अगर हम एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी कि जो हमारा डिजायर डीएनए है जो हमने कहीं और से ऑप्टेन किया है उसको अगर हम इस बैक्टीरियोफाज और या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ में इंसर्ट करा दें तो हमें भी उसकी उतनी ही कॉपीज मिलेंगी जितनी कि उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन हो रहे हैं या फिर उस बैक्टीरियोफाज के रेप्लिकेशन हो रहे हैं, उतनी ही कॉपीज हम लोग को उसकी मिल सकती हैं। Vectors used at present are engineered in such way that they help easy linking of foreign DNA, selection of recombinant from non-recombinants. अब जो वेक्टर्स इंजीनियर्ड हो रहे हैं यानी कि अब जो वेक्टर्स बन रहे हैं उनको इस वे में बनाया जा रहा है कि बहुत ही इजी तरीके से हम उसमें फॉरेन डीएनए को लिंक कर सके, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को भी बहुत ही इजीली सेलेक्ट कर सके। सो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन टू अ वैक्टर। अब ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी वैक्टर में क्लोनिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम ओराई भी कहते हैं। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। ये वो सीक्वेंस होता है बच्चों जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड वो इसके साथ, अगर हम इसके साथ में किसी भी डीएनए पीस को ऐड कर देंगे या फिर लिंक कर देंगे तो वो सीक्वेंस भी उसके साथ में होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट होने लगेगा। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA. आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो sequence होता है यानी कि जो ORI होता है that is also responsible for the control of copy number of the linked DNA. यानी कि जो भी linked DNA हम कर रहे हैं origin of replication के साथ में link, उसके number को भी एक तरह से ये control करने के लिए responsible होता है। So if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. तो अगर हमें कोई टारगेट डीएनए या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास जो डिजायर डीएनए है उसकी अगर हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो हमें उसको किसी ऐसे ओरिजिन सपोर्ट से हमें उसको ऐड करना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी कॉपीज बनाने की एबिलिटी हो, क्योंकि ये एबिलिटी हर एक में अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेलेक्टेबल यानी कि ये सेलेक्ट करेगा रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर
which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants. Origin of replication is important, but इसके साथ साथ में हमें ये भी ज़रूरी है कि हम उसी की ग्रोथ तो कर रहे हैं या फिर हम उसी पोर्शन को ही रेप्लीकेट कर रहे हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स के हैं, यानी कि उनको रिप्लीकेशन नहीं होना चाहिए जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. तो उनको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, ताकि हम उनको सेलेक्ट करके जो भी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर दें और जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको ही हम आगे प्रोसीड करें. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. यानी कि transformation एक ऐसा procedure है जिसके through host DNA, host bacteria के अंदर हम अपने desired DNA piece को introduce कराते हैं. इसको हम आगे और अच्छी तरह से भी पढ़ेंगे बच्चों. Normally the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin etc. are considered useful selectable markers for E. coli. अगर हम E. coli की बात करें तो जो antibiotics हैं हमारी ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, इनके जो हमारे resistance genes हैं वो selectable markers की तरह behave करते हैं या selectable markers की तरह use होते हैं. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. अगर हम normal E. coli cell की बात करें तो वो इनमें से किसी के भी अगेंस्ट में एंटीबायोटिक, किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस नहीं शो करती है. तो अगर ट्रांसफॉर्मेंट E. coli cell होगी तो इट मीन्स हमने उसके अंदर ये जीन्स इंट्रोड्यूस कराए होंगे. अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा क्लोनिंग साइट्स. इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. जो भी हमें एलियन डीएनए पीस लिंक करना है उसकी मोस्ट प्रोबेबली आपके पूरे वेक्टर में सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए. वैसे जनरली ऐसा ही चाहे, मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है वो जनरली ऐसी ही होती है. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments. और अगर मान लीजिए suppose that ये एक vector है और इसमें BAM-HI की अगर हम site की बात करते हैं BAM-H1 की, तो ये भी site suppose that cut कर रही है, ये भी site जो है वो भी BAM-H1 की है, ये भी साइट BAM-H1 की है. तो जब हम BAM-H1 से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी कट कर देगा, यहाँ पे भी कट कर देगा, यहाँ पे भी कट कर देगा, और इट मीन्स हमारे पास में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे. तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि उसमें जनरली सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की. क्लियर? विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग. और अगर ऐसा केस होता है तो क्या होगा, जीन क्लोनिंग की प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब जो हम एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट हम उसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं उसको हम कहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, जो भी दो हमारी एंटीबायोटिक साइट होंगी रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की साइट होगी, उनमें से किसी एक पर इंट्रोड्यूस कराएंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PBR322 की. ठीक है, तो हम यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन जो कर रहे हैं वो उसका ही कर रहे हैं. For example, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. अगर हम example दें तो हम एक foreign DNA को BAM-H1 की site जहाँ पे tetracycline का resistance gene available है वहाँ पे introduce करा सकते हैं. यानी कि ये हमारा PBR322 vector है. इसका diagram बहुत important है बच्चों. ठीक है, इसके एक एक साइट पे कहाँ कहाँ पे कौन सी साइट अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए. कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करता है वो भी आपको पता होना चाहिए. और किन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये कट हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये साइट जो है हमारी, दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट. तो टेट्रासाइक्लिन जो है हमारी एंटीबायोटिक है और यहाँ पे इसको BAM-HI जो है वो कट करता है. तो ये टेट्रासाइक्लिन की साइट को हम BAM-H1 से रिमूव करके हम यहाँ पे अपने डिजायर्ड डीएनए पोर्शन को ऐड कर सकते हैं. अब अगर यहाँ पे हम डिजायर्ड डीएनए पोर्शन को ऐड कर देंगे तो फिर क्या ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा, नहीं दिखाएगा. फिर ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट नहीं दिखाएगा तो इसे सेलेक्ट करने के लिए हम किस एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, दैट इज द एम्पिसिलिन.
ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं. द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम. ठीक है, तो इसका मतलब ये अब टेट्रासाइक्लिन का जीन तो हमने इससे हटा दिए, तो अभी टेट्रासाइक्लिन के लिए तो नहीं रेजिस्टेंट शो कर पाएगा क्योंकि वो जीन्स ही नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे हमारा फॉरेन डीएनए आ गया है. लेकिन अभी भी इसको ट्रांसफॉर्मेंट्स जो बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स से एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम यूज़ कर सकते हैं. तो क्योंकि तो फिर क्या होगा, जिनमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा सिर्फ वो ही सरवाइव करेंगे, और जिनमें नहीं शो कर रहा होगा वो क्या करेंगे, वो डेड हो जाएंगे यानी कि वो रिमूव हो जाएंगे. तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्या है. सो द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. अब जो भी ट्रांसफॉर्मेंट हमने एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करे उसको अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किस में, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में. द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. तो जहाँ जो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम हमारा था उसमें सिर्फ वही रिकॉम्बिनेंट ग्रो हुए थे जिनके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल था. वहाँ पे क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक थी, तो वही सिर्फ रिकॉम्बिनेंट वहाँ पे ग्रो होंगे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कंटेन कर रहे होंगे. विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन. तो रिकॉम्बिनेंट्स जो ग्रो हो रहे थे जिनमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी उस मीडियम में तो ग्रो हो रहे थे, बट उसमें टेट्रासाइक्लिन तो अवेलेबल नहीं थी. बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स इन के. लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो दोनों ही एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में ग्रो होंगे. इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट. तो इस तरह से हमें जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो सेलेक्ट करने के काम आता है ट्रांसफॉर्मेंट्स को. वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. तो वहीं जो दूसरा हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन था, जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, इनएक्टिवेट हो चुका है एलियन डीएनए के इंसर्शन की वजह से, वो हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट्स के सिलेक्शन के लिए. क्लियर, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स. तो जो रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन होता है जिसमें कि हमने इनएक्टिवेट कर दिया था एंटीबायोटिक्स को, ये भी एक कम्प्लीट पूरा प्रोसीजर है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की, जिसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हो ऐसे मीडियम में प्लेटिंग करने की. So therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. तो अब यहाँ पे जो डिफिकल्टी हमें आ रही थी कि हमने एक तो इनएक्टिवेट कर दिया है जीन, जैसे सपोज है टेट्रासाइक्लिन का हमने इनएक्टिवेट कर दिया था बट एम्पिसिलिन के थ्रू हम सेलेक्ट कर रहे थे, फिर जब अगर हम साइमल्टेनियसली दोनों में प्लेटिंग कर रहे हैं कि यानी कि उसमें एक में एम्पिसिलिन भी अवेलेबल है एक में टेट्रासाइक्लिन भी है, तो भी हमें सिलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए जो डेवलपमेंट हुआ है आगे जो वो हुआ है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का, यानी कि हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस यानी कि क्रोम मतलब कलर, तो अगर हम कलर्स की प्रेजेंस से शो करके हम उसको रिकॉम्बिनेंट जीन को सेलेक्ट कर सकें. सो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ किया जाता है जो डिफ्रेंशिएट करता है रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से डिफ्रेंशिएट करने में, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से उनके कलर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी से, और वो कलर किससे प्रोड्यूस होता है, दैट इज फ्रॉम द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम अ गैलेक्टोसाइडेज. यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट किया जाता है गैलेक्टोसाइडेज की जो एंजाइम जो कलर प्रोड्यूस करता है उसकी कोडिंग सीक्वेंस की साइट पर. ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया और उस जगह पे डीएनए जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इंसर्ट कर दिया गया. दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम व्हिच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे
एंजाइम प्रेजेंट होगा गैलेक्टोसाइडस तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज मिलेंगी. इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, इसका मतलब उसके अंदर भी हमारे डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट नहीं है. प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, और जहाँ पे भी डिजायर्ड डीएनए हमारा इंसर्ट हुआ होगा वहाँ पे हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंसेस का, तो वो कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी एंड दीज आर आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, एंजाइम का नेम याद रखना है, ठीक है, कैसे होता है ये पूरी आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, कौन कलर्ड कॉलोनीज देता है एंड कौन नॉन कलर्स कॉलोनीज, जिनकी और कौन ऐसे होते हैं जिनकी कॉलोनीज में कोई भी कलर नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं क्लोनिंग के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स में, वो देखते हैं. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस विच हैव नोन दिस फॉर एजेस. हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखो ये सब पढ़ा था बच्चों कि कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं, प्लांट्स में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, या फिर किसके थ्रू कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया से कर रहे हैं, वायरसेस से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली थी. ठीक है, अब हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल्स एंड फोर्स देम टू डू व्हाट द बैक्टीरिया और वायरसेस वांट. अब हमको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैसे फोर्स करते हैं उसके जेनेटिक मटेरियल को, आप कह सकते हैं, या फिर उस सेल को पर्टिकुलर कैसे फोर्स करते हैं वो काम करने के लिए जो वो चाहते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया उसको कैसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करता है, या वो एंजाइम्स कैसे सेक्रेट कराता है, या वो पर्टिकुलर वायरस ऐसा काम कैसे कराता है, ये चीज़ें देखनी है. फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज द टीडीएनए to transform normal plant cells into a tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक बैक्टीरिया है दैट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन. इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका नाम बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको सब पता होना चाहिए. ये एक पैथोजन होता है जो बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है. इसमें एक डीएनए का पीस होता है दैट इज द टीडीएनए. ठीक है, एंड दैट टी डी एन ए ट्रांसफॉर्म नॉर्मल, ये नॉर्मल जो प्लांट सेल होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है. एंड दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन. और जब ये सेल्स उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को या उन्हीं केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगी, उन्हीं केमिकल्स को प्रोड्यूस करेंगी जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन की रिक्वायरमेंट है. पहले तो वो प्लांट सेल की रिक्वायरमेंट जो हो रही थी, प्लांट की रिक्वायरमेंट हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही थी, बट अब वो सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगी जो उस पर्टिकुलर पैथोजन की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स. ठीक उसी तरह से अगर हम एनिमल्स में देखें तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनके अंदर भी यही एबिलिटी होती है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करने की. अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल्स ऑफ पैथोजेंस इनटू यूजफुल वेक्टर्स फॉर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमंस. अब हमने इनका ही यूज़, इनकी जो जीन डिलीवर करने की इनकी प्रोसेस थी, क्या मैकेनिज्म ये यूज़ कर रहे थे या ये किस तरह से कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को जान करके अच्छे से उसकी पूरी नॉलेज ले करके हमने अब इनको ही एज अ वैक्टर यूज़ कर रहे हैं हम अपने डिजायर्ड जीन को डिलीवर करने के लिए. ठीक है, द ट्यूमर इंड्यूसिंग टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इंटू अ क्लोनिंग वैक्टर. जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का जो टी आई प्लाज्मिड था वो पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया है क्लोनिंग वैक्टर में, विच इज नो मोर पैथोजेनिक, जो कि अब पैथोजेनिक नहीं है एंड टू द प्लांट्स, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट इन टू अ वराइटी ऑफ प्लांट्स. और अब वो पैथोजेनिक तो नहीं है लेकिन उसके अंदर वही एबिलिटी अभी भी मौजूद है जिसके थ्रू वो प्लांट सेल को कन्वर्ट कर देता था अपने अकॉर्डिंग केमिकल सिंथेसाइज करने में, यानी कि वो प्लांट सेल को अपने अकॉर्डिंग सेल्स में कन्वर्ट कर देता था जिससे कि वो केमिकल सिंथेसाइज करे जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन की रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली रेट्रोवायरसेस हैव ऑल्सो बीन डिसआर्म्ड. उसी तरीके से रेट्रोवायरसेस जो है उसमें भी से जो हार्मफुल थिंग्स थी उनको रिमूव कर दिया गया है, डिसआर्म कर दिया गया है एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इन टू एनिमल सेल्स. और उनका यूज अब किया जा रहा है एनिमल सेल्स में डिजायर्ड जीन्स को
डिलीवर करने के लिए. सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू अ सूटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाई. ठीक, अब क्या इसका मतलब, एक बार अगर इन जीन या फिर हमारे जो डीएनए के डिजायर्ड फ्रेगमेंट है इनको लाइगेट कर दिया जाता है सूटेबल वेक्टर में, इसके बाद इनको बैक्टीरियल हो या फिर बैक्टीरियल सेल हो या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल होस्ट हो, जहां पर भी वो मल्टीप्लाई करते हो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. तो ये हमारी प्रोसेस थी जिसके थ्रू हम बहुत ही तेजी से अपने डिजायर डीएनए की कॉपी को पा सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है. कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जैसा कि हम सबको पता है कि डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता है. क्यों? इन ऑर्डर अ फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम पर्टिकुलर उस डीएनए उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर डीएनए को अपटेक करने के लिए या उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को अपटेक करने के लिए जिसके साथ में वो डीएनए का डिजायर्ड पोर्शन इंसर्ट है. दिस इज डन बाई ट्रीटिंग दैम विद अ स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ऑफ अ डायवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम. डायवेलेंट कैटायन यानी कि टू पॉजिटिव साइन वाले और कैल्शियम टू पॉजिटिव. ओके, सो इसको हम कैसे कर रहे हैं, दिस इज उनको ट्रीट किया जाता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे डायवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम की, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए डीएनए या प्लाज्मिड को अपटेक करने की. ठीक है, किससे ट्रीट करते हैं हम, कैल्शियम डायवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम टू पॉजिटिव. आगे देखते हैं, द बैक्टीरियम थ्रो पोर्स इनटू इन इट्स सेल वॉल. अब फिर जब हम ट्रीट कर देते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो अपनी पोर्स जो होते हैं सेल वॉल्स के, उसके थ्रू प्लाज्मिड या डिजायर्ड डीएनए को अपटेक करता है, यानी कि अब वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट सेल बन चुका है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius, that is heat shock, and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. अब इसको करने की प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं, पहले उनको हम आइस में रखते हैं, फिर उसके बाद में ऑल ऑफ सडन हम उनको 42 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं. तो आइस से जब वो 42 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं तो इट मीन्स दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ हीट शॉक फॉर देम. तो हीट शॉक होता है, उसके थोड़ी देर बाद वापस से हम उनको आइस पे रखते हैं एंड देन आफ्टर हम फिर से उनको उसमें रखते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में, तो जिससे कि वो उसको अपटेक कर लेता है. सिर्फ एक यही मेथड नहीं है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वो क्या है देखते हैं. दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल. इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल. इन अनदर मेथड सूटेबल प्लांट्स cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic or gene gun. इसके अलावा जो methods हैं that is the micro injection, जिसमें हम recombinant DNA को directly animal cell जो होती है उसके nucleus के अंदर inject कराते हैं. ठीक है, जो दूसरा मेथड है वो मोस्टली प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें हम हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स यानी कि जो गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड होते हैं पार्टिकल्स, उनके साथ में डीएनए को बायोलिस्टिक या फिर जीन गन के थ्रू हम बम्बार्ड कराते हैं प्लांट सेल्स पे, और जिसके थ्रू वो मे भी जा सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, या फिर जनरली अगर बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ में हम करते हैं तो ये मेथड हमारा सक्सेसफुल होता है. एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म पैथोजन वैक्टर, और जो लास्ट मेथड है वो है हमारा डिसआर्म पैथोजन, यानी कि जो हमारे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट्स के लिए या फिर रेट्रोवायरसेस जो हम एनिमल सेल्स के लिए यूज़ कर रहे थे उनमें उनको इंसर्ट करा के हम मल्टीप्लाई करने के लिए प्लांट सेल या एनिमल सेल्स में इंसर्ट कराते हैं, which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. Now that we have learned about the tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. अब हमें सारे tools पता चल चुके हैं. ठीक है, इसके आपको यहाँ पे जो important चीज़ है वो याद रखने वाली है, माइक्रो इंजेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बैलिस्टिक और जीन गन में कैसे होता है, किसकी कोटिंग की जाती है, गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, टंगस्टन और गोल्ड की कोटिंग की जाती है. ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें हम पीसीआर को भी अच्छी तरह से समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा. और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो
लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके. और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन. बाय बाय फॉर दिस टाइम.